ये है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संकल्प भूमि स्तूप और इसका स्मारक गार्डन में संकल्प भूमि पर है, सयाजी बाग में, नजदीकी है 1 किलोमीटर दूर। तो ये आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर से। नागपुर से हमको मालूम है, ये दिखा वहाँ से भूमि गए थे, वो दिखा भूमि से हमको ये स्तूप दिखा है, हम लोग यहाँ पर आए देखने के लिए। ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा 22 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन से 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है, 23 करोड़ की लागत से संकल्प भूमि मेन जगह और ये स्मारक स्तूप बनाया जा रहा है। बहन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नागपुर की दीक्षा भूमि जैसा बन गया बिल्कुल। सरकार ने हो सकता है साहब, सरकार ने ये 2017 में शुरू किया है और काम क्योंकि बीच में कोरोना आ गया तो ये कार्य थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। उसके लिए हम भी सरकार को प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आपने अंतर्राष्ट्रीय लेवल का ये स्तूप वडोदरा शहर के अंदर पूरे गुजरात की मान और मर्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इस स्तूप के माध्यम से बढ़ाई है और 23 सितंबर को तो यहाँ पर लाखों संकल्प भूमि अनुयायी यहाँ पर आते हैं, तो यह और गर्व की बात होगी कि आप इसे जल्दी से पूरा करें और जल्दी से इसे पूरा करके राष्ट्र को समर्पित करें और भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक यह मैसेज पे गर्व की बात है। इसलिए हम साथ में ये भी प्रार्थना करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इस स्तूप को पूरा करें। तो हम संकल्प भूमि के सेवक, मेरे साथ हैं श्री एचआर सिंह जी और मैं राजकुमार सिंह, संकल्प भूमि ट्रस्ट वडोदरा। हमें गर्व होता है कि देश के कोने कोने से यहाँ पर बाबा साहब के अनुयायी इस स्तूप के निर्माण होने से पहले ही यहाँ पर तांता लगा रहता है। आज भी जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारे कुछ भाई बहन, आयुष्मती जी, भीम सैनिका जी, आप कहाँ से आई है? नागपुर डिस्ट्रिक्ट से आ रही हूँ, महाराष्ट्र से। अच्छा, और आपको कैसे जानकारी हुई? यूट्यूब से जानकारी मिली। आपको कहाँ से जानकारी मिली? यूट्यूब से। यूट्यूब से आप बता रही हैं कि वर्षों से मैं देख रही हूँ, तो जाने की इच्छा हुई कि बाबा साहब जहाँ पर बैठे थे, संकल्प लिया था, वो जगह के हम दर्शन करके आए। मैं चाहूँगा कि आप 23 सितंबर को संकल्प दिवस के अवसर पर यहाँ पर अवश्य पहुँचे। छोटी मोटी व्यवस्था, साधारण व्यवस्था यहाँ पर आप लोगों के रुकने के लिए हमने की हुई है। अच्छा, बुकिंग की रिसिप्ट है ये। 23 सितंबर और 22 सितंबर के लिए हमने आज 6 अगस्त 2024 को ही एडवांस में बुकिंग कर दी ताकि संकल्प भूमि से नज़दीक जो ये अतिथि ग्रह है वो कहीं दूसरे लोग बुक ना कर ले और हमारे भाई कहीं रोड पर ना भटकते रहे। इसके लिए ऐसे लोग जिनकी क्षमता बहुत खर्च करने की नहीं है रुकने के लिए, तो वो अतिथि गृह नंबर 2 और 3 में, जो कि ठीक संकल्प भूमि के पीछे है, वहाँ पर आकर रुक सकते हैं। मेरा नाम बिंबिसा श्रीराम गन्नी रहे, हम महाराष्ट्र नागपुर से आए हुए कामठी तालुका के रहने वाले हैं और हमारा ये पूरा ग्रुप है, हम भी सामाजिक कार्य करना चाहते हैं इसलिए हम देखने के लिए आए हैं। तो आपने जो हमको बताया कि सितंबर महीने में ऐसा है ये जो कार्यक्रम होता है, तो वो सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। संकल्प भूमि जाकर आए हम लोग, वहाँ से हमने स्तूप देखा है, स्तूप देखने के हिसाब से हम यहाँ पर है। जितने जल्दी अपनी गुजरात सरकार करना चाहती है।